तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके नीचे मुझसे पूछा था कि मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जो है आरआरबी जेई के फॉर्म में वो दिखा नहीं रही है, यानी कि मैंने जिस भी ट्रेड से इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा किया है वो चीज़ वैकेंसी टेबल में नहीं दिखा रहा है, तो मैं किस ऑप्शन को फिल करूँ और कौन सा एग्जामिनेशन ग्रुप को फिल करूँ। जैसे कि एक भाई ने पूछा था कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है तो मैं किस एग्जामिनेशन ग्रुप को सिलेक्ट करूँ और या फिर किस वैकेंसी टेबल में कौन सा जो ऑप्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिसिप्लिन का वो सिलेक्ट करूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे कि वैकेंसी टेबल पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद आप को ये पता करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, आपको सिर्फ यही तो पता करना है। एंड इसके बाद ये पता करना होगा कि अगर आपने किसी भी दूसरी फील्ड से डिप्लोमा किया है फिर इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, जिसमें कि इसमें शो नहीं कर रहा है, तो फिर उसको कैसे सिलेक्ट करें ये चीज़ आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगी। जैसे कि मानिए यहाँ पे आपने सर्च किया, ठीक है, आरआरबी में वैकेंसी पे जाके एंड यहाँ पे उसके बाद क्वालिफिकेशन पे जब आप गए तो अगर आपने बीटेक किया है यहाँ पे, ठीक है, एंड उसके बाद से जैसे डिसिप्लिन पे जब आप जाएंगे तो डिसिप्लिन पे जाने पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो स्ट्रीम है वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, अगर स्ट्रीम शो नहीं कर रही है तो यहाँ पे नीचे अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का ऑप्शन लिखा है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सिलेक्ट इसके बाद नहीं करना है, आपको सीधे सर्च कर देना है। एंड सर्च करने के बाद आपको जहाँ जहाँ भी आरआरबी में जो जो वैकेंसी है डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की, तो आप देखिए सिर्फ डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए आप एलिजिबल होंगे, इसके अलावा आपके लिए कोई दूसरी पोस्ट नहीं होगी। अगर आपने बीटेक किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से या फिर किसी भी दूसरे फील्ड से जो कि इसमें शो नहीं कर रही है तो उसके, बाकी बीएससी वालों के लिए आपका है जैसे केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट जो है, बट इसमें सिर्फ बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट हैं आप तो आपके लिए डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, और जिस जिस आरआरबी में कितनी कितनी पोस्ट है सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है, जैसे कि टोटल जो वैकेंसी है अहमदाबाद में 6 वैकेंसी है, एंड सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आप यहाँ पे देख लीजिए कि कोलकाता में यहाँ पे 49 वैकेंसी है, एंड मुंबई में 30 वैकेंसी है, एंड चंडीगढ़ में यहाँ पे 25 वैकेंसी है। तो ये आपकी डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की जितनी भी वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर यहाँ पे ये नंबर 1 पेज है, अगर आप नंबर 2 पेज पे जाएंगे तो और भी यहाँ पे दिखा देगा कि यहाँ पे सिकंदराबाद में यहाँ पे 10 वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी है 124 वैकेंसी है डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की ऑल ओवर द आरआरबी, ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। एंड इसके बाद से एग्जामिनेशन ग्रुप की बात आती है, तो एग्जामिनेशन ग्रुप को अगर आपको चुनना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है नीचे कि अगर आप डीएमएस के लिए अप्लाई करते हो तो आप इस ऊपर दिखा रहे किसी भी एग्जामिनेशन ग्रुप को चुन सकते हो सिर्फ सीएमए एग्जाम ग्रुप को छोड़ के, ठीक है, तो सीएमए एग्जाम ग्रुप को आप नहीं चुन सकते हो, बाकी यहाँ पे दिखा रहे जितने भी एग्जाम ग्रुप है आप किसी भी एक एग्जामिनेशन ग्रुप को आप देख सकते हो और उसको चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, नीचे पूरा लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है, ठीक है, तो किसी भी जिस भी एग्जामिनेशन ग्रुप को आप चुनेंगे उसी से रिलेटेड आपको आई थिंक तैयारी करनी होगी, एंड उसी से आपको मतलब प्रिपरेशन करनी होगी। आपका जो केमिकल का जो फील्ड है उससे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको इसी एग्जामिनेशन ग्रुप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको उसी की तैयारी करनी होगी। बट अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो आप देख सकते हो कि क्या है पूरा माजरा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, आराम से पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पे सीएमए की पोस्ट को छोड़ के बाकी आप कोई भी एग्जाम ग्रुप को इसमें चुन सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा है, तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को, ठीक है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करके बताइए कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जो भी सोल्यूशन होगा मैं कमेंट के जरिए दे दूंगा, नहीं तो इस तरह की वीडियो बना के मैं आपके सामने ले आऊंगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।